हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, तो उसी से रिलेटेड हम आज सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना, ताकि हमारी सभी प्रीपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। ऐसे कौन से कण हैं दोस्तों जो पदार्थ को बनाते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों परमाणु। ठीक है, परमाणु याद रखिएगा, परमाणु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो बना हुई जो संरचना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और परमाणु एक इस प्रकार के कण होते हैं जो विभिन्न पदार्थों को बनाते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं पदार्थ के कणों में दोस्तों? तो देखो, वो लगातार स्थानांतरित होते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। और बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, स्थानांतरित का मतलब है जैसे पहले पदार्थ यहाँ है ना, पदार्थ के कण, तो बाद में थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद में यहाँ चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद में यहाँ चले जाएंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थान अंतर करते हैं। स्थानांतर का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, फिर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ये भी होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं। आप लेंस से इनको देख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? ठोस का गुण कौन सा है दोस्तों? तो देखो, ठोस जो है उसका निश्चित आकार होता है, ये इसका एक गुण है। बाकी ये तीनों इसके गुण नहीं है। ठीक है, निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार कैसे दोस्तों? जैसे आपने देखा है, आप बर्फ देखते हो, बर्फ बर्फ देखे ना आपने, बर्फ बर्फ को आप जब उस भगोने में से निकालते हो तो वो इस तरह का शेप की होती है ना, और बाद में उसका इसी तरह का शेप रहता है जब तक कि वो पिघल ना जाए। तो उसकी क्या है? फिक्स शेप, यानी कि उसका निश्चित आकार है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से देखो आप, अब एक तो आप पानी ले लो, पानी को आप गिलास में डालो वो गिलास जैसा हो जाएगा, पानी को आप बाल्टी में डालो वो बाल्टी जैसी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, आप किसी भी सॉलिड को ले लो, ठोस को ले लो, उदाहरण के लिए आप किसको ले लो, बर्फ़ को ले लो, बर्फ को तुम बाल्टी में डाल दो वो बाल्टी जैसी नहीं होगी, वो उसका जितना साइज है, जितना आकार है, वो उसकी जितनी रहेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि निश्चित आकार होता है, बी इसका फिर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अलर्ट होकर क्वेश्चनों को अच्छी तरह से अटेंड करिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दमदार क्वेश्चन है। अगला है, शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक क्यों है? शुष्कता यानी कि दोस्तों सुखाने के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण करना बेहतर क्यों है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि उससे अशुद्धियां हट जाती है। जो भी उस मटेरियल उस तत्व के अंदर अशुद्धियां हैं, मतलब जो गंदगियां हैं, वो हट जाती हैं। इसलिए दोस्तों क्रिस्टलीकरण जो है वो सबसे बेहतर तकनीक है। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? दोस्तों, अमिश्रणीय तरल कौन सा होता है जो कि बिल्कुल यूँ अलग, बिल्कुल यूँ मिक्स 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 हो जाए, और बिल्कुल यूँ बाहर निकालना, उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो उसको किस विधि, किस तंत्र के द्वारा अलग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों अलग कीप के द्वारा, जिसे बोलते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल। अलग कीप के द्वारा, दो ऐसे कीप होती हैं, ठीक है, उनके अंदर इन अमिश्रणीय तरल को डालते हैं, और जब इस कीप से इस कीप में जाती है तो वो पृथक हो जाती है। तो डी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अलग कीप द्वारा सेपरेटिंग फ्यूनल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। ठीक है, तरल को वाष्प, जैसे कि पानी है, पानी आपने लिया, पानी एक तरल है, पानी को आपने भाप के अंदर बदल दिया, तो वो क्या हो जाएगा? तरल को वाष्प अवस्था में बदलना, और इसके लिए जो ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम लोग उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे बोलते हैं वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार डिफ्यूजन की अवस्था है? प्रसार का मतलब होता है फैलाना किसी चीज को। ठीक है, आपने सुना प्रचार प्रसार हो रहा है कि चुनावों का, तो जी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वो प्रसार ये है, प्रसार का मतलब होता है फैलना। ठीक है, प्रचार प्रसार मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा फैल रही है, तो वो प्रचार प्रसार हो गया। उसी तरह से किसी तत्व के बारे में कोई भी
प्रवृत्ति उसकी फैलना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रसार कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है, तो प्रसार की अवस्था कौन सी है दोस्तों, तरल पदार्थ में धीमा ये भी है, गैसों में सबसे तेज ये भी है, कणों के गति के आधार पर ये भी है, ठीक है। तो प्रसार की अवस्था क्या है, उपरोक्त सभी है, तरल पदार्थों में धीमी होती है, गैसों में सबसे तेज होती है और कणों में गति के आधार पर होती है। जितना जल्दी कण गति करेंगे उतना जल्दी ही प्रसार होगा, ठीक है दोस्तों। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, तो दोस्तों उस तकनीक का नाम बताओ, वो है वाष्पीकरण। समुद्र का पानी जो है उसको वाष्पीकरण प्रक्रिया की जाती है दोस्तों, मतलब बड़े बड़े बर्नर लगे होते हैं जहाँ पे नीचे आग जलती है, ऊपर यूं भट्टी होती है और उसके ऊपर एक समुद्र के पानी का एक भगोना होता है, एक कह सकते हो आप टब सा होता है स्टील का, उसके अंदर से उसको गर्म किया जाता है, तो वाष्पीकरण होकर जो पानी है वो तो ऐसे उड़ जाएगा और बचेगा क्या पीछे, नमक नमक बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। तो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना है वाष्पीकरण, और आपको पता भी है नमक समुद्र के पानी से ही प्राप्त होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वाष्पीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है, ऐसी तकनीक का नाम बताओ दोस्तों जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस, घुलनशील ठोस का मतलब क्या है, ऐसे ठोस पदार्थ जो एक दूसरे में घुल जाएं, ठीक है, ऐसे ठोस पदार्थ जो एक दूसरे में घुल जाएं उनको अलग करने में इस्तेमाल होती है और बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है, ऐसी तकनीक का नाम बताओ। तो वो तकनीक क्या है दोस्तों, वो तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। क्या है, क्रोमेटोग्राफी। डी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से अपने ऐसे दो ठोस पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से घुलनशील हैं, ठीक है, एक दूसरे में घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग अलग कर सकते हैं। तो डी इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ डिफ्यूजन इन लिक्विड में प्रसार का एक उदाहरण है, तरल पदार्थ में प्रसार, अभी अभी हमने पढ़ा था प्रसार, तरल में तेज है ना, ऐसा पढ़ा था ना, कणों में गति के आधार पे। तो अब ये कहता है तरल पदार्थों में प्रसार का एक उदाहरण कौन सा है, तो प्रसार का एक उदाहरण है दोस्तों पानी में स्याही का फैलना। तरल क्या है, पानी, पानी ऐसे है मान लो, उसके अंदर आपने थोड़ी सी स्याही डाली, वो पानी के अंदर यूं फैल जाएगी, है ना, तो ये क्या हुआ, प्रसार ही तो हुआ। प्रसार का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस भाई बहन को याद नहीं हो रहा याद रखो, प्रसार का मतलब क्या बताया, फैलना। तो पानी में स्याही का फैलना तो क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। और वैसे अगर कोई हिट एंड ट्रायल मेथड करे तो भी देखो मैंने बताया था प्रसार मतलब फैलना, इन तीनों में फैलना यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे आप टिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, आज हम यही क्वेश्चन करने थे डिस्कस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उस पे ऑल का बटन क्लिक करके दबा लो, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दोस्तों अच्छी से अच्छी तैयारी कराते हैं इस चैनल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यदि आप अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी हेल्पलाइन की आपको आवश्यकता है दोस्तों, तो 24x7 मेरी हेल्पलाइन आपके लिए उपलब्ध है, मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी है, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो सभी वीडियोस आपको वहाँ पे एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है, जो राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ एक बात और दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक मैथ का कोर्स भी स्टार्ट कर दूँ, तो दोस्तों मैथ के कोर्स की वीडियो किस किस को चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है, आपके जितने मैक्सिमम कमेंट होंगे फिर मैं उसकी टेंडेंसी के हिसाब से सोचूंगा कि आपको मैथ कराना है या नहीं कराना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।